अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके नमस्कार और आप सभी का स्वागत है चीन की हेकड़ी को मोदी सरकार ने पूरी तरह उतार कर रख दिया है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अंदर जो थोड़ा बहुत जोश रह भी गया है उसे खत्म करने के प्रयास भी जारी हैं। भारत ने चीन के इर्द गिर्द ऐसा घेरा बना दिया है कि बीजिंग के लिए रात की नींद लेना मुश्किल हो गया है चीनी सरकार हैरत में है कि करें तो क्या करें राष्ट्रपति बौखलाहट में अपना गुस्सा इधर उधर उतार रहे हैं चीन को समझ नहीं आ रहा है कि नए भारत को समझने में और नए भारत की ताकत का अंदाजा लगाने में उसे चूक कैसे हो गई दरअसल भारत चीन सीमा विवाद के बीच महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत ने आगामी मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया के भी हिस्सा लेने की घोषणा की है इसके साथ ही यह चार देशों के समूह क्वाड की सैन्य स्तर पर पहली भागीदारी होगी भारत द्वारा ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को अगले महीने होने वाले युद्धाभ्यास के लिए आमंत्रित करने का कदम टोक्यो को क्वाड के विदेश मंत्रियों की हुई गहन बातचीत के दो हफ्ते बाद उठाया गया है बैठक में मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया था जहां पर चीनी सैन्य उपस्थिति और हठधर्मिता लगातार बढ़ रही है रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है भारत समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग की पृष्ठभूमि में मालाबार 2020 नौसेना युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की भागीदारी देखने को मिलेगी बयान में कहा गया है कि अभ्यास में हिस्सेदारी स्वतंत्र मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का सामूहिक समर्थन करता है यह टिप्पणी भारत के युद्धाभ्यास को लेकर बदले दृष्टिकोण को प्रतिबंबित करने के साथ ही वृहद संदेश देती है इस युद्धाभ्यास के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होने की उम्मीद है रक्षा मंत्रालय ने कहा है मालाबार युद्धाभ्यास 2020 में शामिल प्रतिभागी समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और संरक्षा को मजबूत करने में संलग्न है वे सामूहिक रूप से स्वतंत्र मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत का समर्थन करते हैं और नियम सम्मत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध है ऑस्ट्रेलिया पिछले कई वर्षों से इस युद्धाभ्यास में शामिल होने को लेकर रुचि दिखा रहा था हालांकि भारत ने नौसेना युद्धाभ्यास में शामिल होने के ऑस्ट्रेलियाई अनुरोध को ऐसे समय स्वीकार किया है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा को लेकर तनाव बढ़ा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और आक्रामकता से उत्पन्न परिस्थिति विश्व नेताओं के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है अमेरिका चीन की बढ़ती हटिता को नियंत्रित करने के लिए क्वाड को एक सुरक्षा ढांचे में तब्दील करने का समर्थक रहा है ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री लिंडा रोनॉल्ड सीएसटी ने युद्धाभ्यास में उनके देश की भागीदारी को अहम अवसर करार दिया और कहा कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के चार प्रमुख लोकतंत्रों के बीच गहरे विश्वास और समान सुरक्षा हित के लिए मिलकर काम करने की इच्छा शक्ति को दिखाता है रनॉल्ड ने कहा मालाबार युद्धाभ्यास जैसे उच्च स्तरीय सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलियाई समुद्री क्षमता को बढ़ाने करीबी साझेदारों के साथ पारस्परिकता का निर्माण करने और मुक्त और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के हमारे सामूहिक संकल्प और समर्थन को प्रदर्शित करता है ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पेने ने कहा कि यह घोषणा ऑस्ट्रेलिया के भारत के साथ गहरे होते संबंधों की और एक और महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने कहा यह हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका की क्षमता को बढ़ाएगा गौरतलब है कि मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में अमेरिकी और भारतीय नौसेना के बीच हिंद महासागर में द्विपक्षीय अभ्यास के तौर पर हुई थी। जापान वर्ष 2015 में इस युद्धाभ्यास का स्थायी प्रतिभागी बना यह युद्धाभ्यास वर्ष 2018 में फिलीपींस सागर में गुआम तट पर किया गया जबकि वर्ष 2019 में मालाबार अभ्यास का आयोजन जापान के तट पर किया गया रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि युद्धाभ्यास की योजना समुद्र में बिना संपर्क ढांचे के आधार पर तैयार की गई है मंत्रालय ने कहा इस अभ्यास से इसमें शिरकत करने वाले देशों की नौसेना के बीच समन्वय और मजबूत होगा उल्लेखनीय है कि गत कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंध बढ़े हैं क्वाड की सैन्य स्तर पर पहली भागीदारी के अलावा भारत पड़ोसियों के साथ भी यह अभ्यास कर चीन की धड़कने बढ़ाने में लगा हुआ है भारत और श्रीलंका की नौसेनाएं सोमवार से त्रिंकोमाली के पास तीन दिन का सैन्य अभ्यास कर रही हैं और इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों तथा अभियान संबंधी सामंजस्य का प्रदर्शन कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि वार्षिक स्लाइनेक्स अभ्यास के आठवें संस्करण में दोनों नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर की अंतर सक्रियता को और अधिक दुरुस्त करने के उद्देश्य से अनेक जटिल अभ्यास किए जा रहे हैं अधिकारियों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने अभ्यास में रोधी युद्धक जलपोत आई कामुरता और आई एन के साथ ही बड़ी संख्या में आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियन समुद्री गश्त विमान तैनात किए हैं श्रीलंका की नौसेना का प्रतिनिधित्व गश्ती जहाज सयुरा और प्रशिक्षण पोत गजबाहू कर रहे हैं पिछले साल यह अभ्यास सितंबर 2019 में हुआ था भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा स्लाइनेक्स अभ्यास श्रृंखला भारत और श्रीलंका के बीच गहरी साझेदारी की मिसाल पेश करती है जिसने समुद्री क्षेत्र में परस्पर सहयोग को मजबूत किया है इससे पहले भारत की नौसेन्य ताकत में तब जोरदार इजाफा हुआ जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नौसेना प्रारूप का भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित एक विध्वंसक पोत से रविवार को अरब सागर में सफल परीक्षण किया गया अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल आईएनएस चेन्नई विध्वंसक पोत से दागी गई और इसने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेज दिया रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ब्रह्मोस प्रमुख हमलावर शस्त्र के रूप में लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेद कर युद्ध पोत की अपराजयता को सुनिश्चित करेगा इस तरह विध्वंसक युद्ध पोत भारतीय नौसेना का एक और घातक प्लेटफॉर्म बन जाएगा ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत रूस का संयुक्त उद्यम है यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है जो पंडुबी जहाज विमान या जमीन से दागी जा सकती है उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ सप्ताह में भारत ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया है जिनमें सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम वन शामिल है भारत ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का भी परीक्षण किया है रुद्रम वन के सफल परीक्षण को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि यह भारत का प्रथम स्वदेश विकसित एंटी रेडिएशन हथियार है मिसाइलों का परीक्षण ऐसे वक्त में किया गया है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर गतिरोध चल रहा है भारत ने 30 सितंबर को ब्रह्मोस के सतह से सतह पर मार करने वाले नए प्रारूप का सफल परीक्षण किया था इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर जो मूल रूप से थी को बढ़ाकर 400 किलोमीटर की दूरी तक कर दिया गया है भारत ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा पर सामरिक महत्व के कई स्थानों पर काफी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात किया है इसके अलावा एक और बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है इसी महीने भारत और अमेरिका के बीच बेहद अहम मीटिंग होनी है छब्बीस सत्ताईस अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने समकक्ष मार्क एस्पर और विदेश मंत्री एस जयशंकर टू टू में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बीईसीए पर बात बन सकती है यह समझौता होने पर अमेरिका लॉन्ग रेंज नेविगेशन और मिसाइल टारगेटिंग के लिए भारत को एडवांस्ड सैटेलाइट और टोपोग्राफिकल डेटा उपलब्ध कराएगा मतलब साफ है कि चीनी चालों को विफल करने के सारे तोड़ निकाल लिए गए हैं